दोस्तों सहारा डेजर्ट में हमें एक ऐसा म्यूटेराइड मिला है जो हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा पुराना है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी उम्र 4 अरब 65 करोड़ साल बताई गई है, जबकि हमारे पूरे सूर्यमंडल की उम्र 4 अरब 57 करोड़ साल है और हमारी पृथ्वी की उम्र 4 अरब 54 करोड़ साल है। तो इस हिसाब से ये मीटोराइट हमारी पृथ्वी के सहित एंटायर सोलर सिस्टम से भी ज्यादा पुराना है। पर फ्रेंड्स, ये कैसे संभव है? एक मीटोराइट सोलर सिस्टम से ज्यादा पुराना कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, इसीलिए तो ये डिस्कवरी बहुत खास है और ये शायद इस पूरे डेकेड की ब्लैक होल की डिस्कवरी के बाद सबसे बड़ी डिस्कवरी होने वाली है, क्योंकि ये मीटोराइट हमारे पूरे सोलर सिस्टम के राज खोलने जा रहा है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये म्यूटेराइड्स दरअसल उल्कापिंड होते हैं जो आए दिन हमारी पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। और इस पृथ्वी पर डायनासोर युग जैसे कई सारे और युग भी हुए हैं जब उल्कापिंडों की पृथ्वी पर बारिश हुई है। हमारे वैज्ञानिक इनका अध्ययन करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों आज तक उन्होंने इतना पुराना कोई भी उल्कापिंड नहीं देखा है। अब वैज्ञानिक इसमें यह ढूंढ रहे हैं कि इतना पुराना म्यूटेराइट सोलर सिस्टम में और वो भी हमारी पृथ्वी पर आया तो आया कैसे। दोस्तों, इसकी डिस्कवरी की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो यह अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में बसने वाले एक देश अल्जीरिया के अर्कचेच इलाके में मिला है। ये हमें 2020 में मिला था और खोज के बाद लगातार इस पर स्टडी चल रही है। और एक साल की स्टडी के बाद कुछ ही दिन पहले वैज्ञानिकों ने पब्लिश की एक रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया है कि यह मीटोराइट कोई मामूली मीटोराइट नहीं है, बल्कि ये हम इंसानों के पास सोलर सिस्टम का सबसे पुराना सैंपल है। इस मीटोराइट को अर्कचेच 002 या EC002 नाम दिया गया है। यह मीटोराइट कुछ इस प्रकार का दिखता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मीटोराइट का स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक है जो आज तक किसी भी मीटोराइट या एस्टेरॉइड में देखने को नहीं मिला। अब दोस्तों, यहाँ पर एस्टेरॉइड शब्द निकला ही है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एस्टेरॉइड उल्कापिंड का एक बड़ा टुकड़ा होता है जो जनरली सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं। लेकिन इनमें से जब कोई एस्टेरॉइड्स एक दूसरे से टकरा कर या इनमें से एस्टेरॉइड का कोई छोटा सा अगर टुकड़ा हो तो उसे मीटियोर्ड कहा जाता है। और जब ऐसे मीटियोर्स धरती के वातावरण में आते हैं और धरती से टकराते हैं तो इन्हें मीटियोराइड्स कहा जाता है। वैसे ऐसे ज्यादातर एस्टेरॉइड्स या मीटियोराइड्स पृथ्वी से ज्यादा गुरु पर गिरते हैं, क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा प्लेनेट है और वो अर्थ को सालों से बचाता भी आ रहा है। लेकिन खैर, कुछ पृथ्वी पर भी आ जाते हैं। हमें मिला यह ओल्डेस्ट मीटोराइड करीब 32 किलो का है और ये एंडेसाइट टाइप का मीटोराइड है। और इतनी जानकारी से वैज्ञानिकों ने यह हाइपोथेसिस बना ली है कि यह मीटोराइड सूर्यमंडल के निर्माण के वक्त या उससे थोड़े वक्त पहले अस्तित्व में आया होगा, जब हमारे सूरज का निर्माण हुआ था और दूसरे कोई प्लैनेट्स का निर्माण नहीं हुआ था। यानी कहने की बात यह है कि जब हमारे सूरज में से अन्य प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था, तब शायद कोई स्ट्रेंज या छोटा सा प्लेनेट बस बन ही रहा था और वो बन नहीं पाया और उस प्लेनेट में से उसका ये मीटोराइट उससे अलग हुआ होगा जो सोलर सिस्टम में घूम रहा था और शायद किसी कारण से धरती पर आ गिरा। दोस्तों, ये बात बहुत ही स्ट्रेंज है और ये मीटोराइट सोलर सिस्टम के और भी राज खोलेगा। वैसे सोलर सिस्टम के बनने की हमारी जो कहानी है उसे ये मीटोराइट सिद्ध तो करता ही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हेल्दी नॉलेज के लिए बने रहे द नॉलेज के साथ। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।